आज हम अलग तरह की, बिल्कुल ही अलग तरह की रेसिपी लेके आए हैं। ये एक्चुअली ये गुजरात स्पेशल बोल सकते हैं। ये पनीर घोटाला है। ये बहुत ही अच्छी लगती है और काफी टेस्टी लगती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नान के साथ या रोटी के साथ जैसे भी खाना पसंद करें, पाव के साथ। तो उसके लिए हमने यहाँ पे हाफ के जी पाव ली, सॉरी पनीर ली हूँ। इसको हम इस तरह का मोटे ग्रेटर से कद्दूकस कर लेंगे। तो इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। और ये हमने जो 3 टमाटर लिए हैं, इसमें हमें पेस्ट नहीं बनाना है फ्रेंड, एकदम ही रफली इसे काट करके एकदम चॉप करना है। बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, पेस्ट इसका प्यूरी नहीं बनानी है हमें। बस जस्ट लाइक दरदरा सा क्रश कर लेना है, जिसके कि इसका टेक्सचर काफी अच्छा रहे। तो हमने यहाँ पे हाफ के जी पनीर के लिए 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, और देख सकते हैं कि 3 शिमला मिर्च भी हमने लिया है। तो शिमला मिर्च को भी इसी तरह से हमें, और यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च भी लिए हैं, सॉरी हमने यहाँ पे 4 हरी मिर्च लिया है। आपको जितना चाहिए उस हिसाब से हरी मिर्च लीजिए। आपको एक बना के दिखा देती हूँ कि कितना हमें कोर्सली पीस करके रेडी करना है। देख सकते हैं कि ये इस तरह से काफी दरदरा सा पीस करके रेडी हो गया है। हमें इसी तरह का टेक्सचर चाहिए, एकदम ही कोर्सली। तो शिमला मिर्च को भी हम इसी तरह से इसके सीड को निकाल करके और इसके जो गूदे हैं उसको हम इसी तरह से क्रश करके रेडी कर लेते हैं। साथ में पनीर को भी कद्दूकस कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने शिमला मिर्च को भी देख सकते हैं कि इतना कोर्सली एकदम ही क्रश करके रखा है। टमाटर को भी हमने रेडी कर लिया, पनीर को भी हमने कद्दूकस करके रेडी कर ली हूँ। और इधर कढ़ाई गरम होने रखा है, कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाल करके गरम कर लिया है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। और हम यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच जीरा लिए हैं, जीरा को डाल देते हैं। हल्का जीरा क्रकल करने के बाद इसमें हम 1 प्याज को इस तरह से एकदम ही बारीक चॉप किया हुआ है, तो प्याज डाल देते हैं। प्याज को हमें हल्का भूनना है, पिंक कलर आने तक भून लेना है। इसी स्पेस पे फ्रेंड हमने यहाँ पे बटर लिया है 1 बड़े चम्मच, बटर को भी साथ में डाल देते हैं। ये बहुत अच्छी और काफी टेस्टी बनता है। पता नहीं पनीर घोटाला क्यों इसका नाम पड़ा, मुझे भी नहीं पता फ्रेंड, लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी और काफी अच्छी लगती है। तो प्याज को हमें हल्का भूनना है, इतना रखना है कि ये थोड़ा सा क्रंची ही रहे प्याज और कच्चापन भी इसका खत्म हो जाए। तो हमें भून करके कम से कम इसे 2 मिनट हाई फ्लेम पे इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए भून लेते हैं। ये प्याज अच्छा सा भून करके रेडी हो गया, इससे ज्यादा हमें प्याज को नहीं भूनना है। तो गैस को कर देते हैं कम। और यहाँ पे हमने कुछ मसाले लिए हैं जो पाउडर फॉर्म में है, 1/2 छोटी चम्मच से भी कम हल्दी हमने लिया है, ये धनिया और जीरा पाउडर है, इस चम्मच से 1 बड़े चम्मच हमने धनिया जीरा पाउडर लिया है, टेस्ट के अनुसार लाल मिर्च लिया है। आपको अगर कम ज़्यादा चाहिए तो उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमने हरी मिर्च को भी पीसा हुआ है, तो उसी हिसाब से आप तीखा जितना पसंद करते हैं मिर्ची को डालिए, मिर्च पाउडर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 पिंच हींग ली हूँ, इसे भी डाल देते हैं। और ये हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो इन मसालों को
डालने के बाद इसी समय हम नमक भी डाल देंगे टेस्ट के अनुसार जितना चाहिए। मसालों को हमें एकदम ही खाली मिक्स करना है फ्रेंड, जलाना नहीं है, एकदम स्लो फ्लेम में ही है गैस मेरा अभी। और ये मसाले अच्छे से मिक्स हो गए, अब हम ये जो टमाटर जो पीस के रखे हैं क्रश करके इसे डाल दूंगी। बहुत अच्छी लगती है, इसे आप ज्यादा कोशिश कीजिए पाव के साथ खाने के लिए। इसे हमें मिक्स कर लेना है। टमाटर डालने का रीजन ये है कि साथ में मसाले में हमने पानी नहीं डाली हूँ, जिससे अक्सर मैं मसाले डालती हूँ तो उस समय 2 से 3 चम्मच पानी डाल देती हूँ जिससे कि मसाले जले नहीं। तो हमने यहाँ पे पानी नहीं डाल करके टमाटर को डाल दी हूँ और हमें मसालों को भूनना है। तो इस समय मसालों को हमें भूनने के साथ साथ ये जो शिमला मिर्च जो हमने क्रश करके रखा है इसे भी डाल देंगे और इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें इतना भूनना है कि ये साइड से थोड़ा ऑयल छोड़ने लगे। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हमें सारे चीजों को भून करके रेडी करना है। देख सकते हैं कि ये साइड से ऑयल छोड़ना शुरू हो गया है, ऑयल छोड़ दिया। अब हम इस स्टेज पे ये हमने पाव भाजी मसाला लिया है, 1 बड़े चम्मच हम पाव भाजी मसाला डालेंगे। इससे बहुत अच्छी और काफी टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। तो 1 चम्मच के अंदाज से मैं इसमें पाव भाजी मसाला डालूंगी। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है फ्रेंड तो यहाँ पे आप गरम मसाला का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पाव भाजी मसाला डाल करके एक बार आप जरूर ट्राई करके देखिए, मजा आ जाएगा इस मसाले के साथ जब बनेगा। तो मसाला भी मिक्स हो गया। अब हम यहाँ पे टोमेटो केचप ली हूँ 1 बड़े चम्मच, इसे भी डाल देते हैं। इससे थोड़ा सा खट्टा मीठा सा टेस्ट आ जाता है इसमें, बहुत अच्छा लगता है। तो इसे मिक्स करना है। साथ में हमने ये कसूरी मेथी लिया है, इसको पहले ही से हमने क्रश करके रखी थी इस तरह से, तो इसमें डाल दूंगी और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। सारा कुछ मिक्स करके फिर से थोड़ा सा हमें भूनना है, ज्यादा नहीं भूनना है इसको। अब जो हमने पनीर जो ली हूँ इसे ऐड कर देंगे। और पनीर ऐड करने से पहले आपको एक बात बताएंगे, यहाँ पे अगर आपके पास चीज है तो चीज को भी आप डालिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो पनीर को हमें हल्के हाथों इस तरह से मसालों के साथ भूनकर रेडी कर लेते हैं। ये सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। लगभग 1 कप पानी यहाँ पे हमने ऐड किया है। पानी इसलिए ऐड की हूँ फ्रेंड कि ये थोड़ा सा गीला ही रहता है ये सब्जी, पनीर घोटाला। तो इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और इसी समय हम यहाँ पे चीज ली हूँ, चीज को कम से कम 2 से 3 क्यूब चीज डालूंगी। चीज डालने से इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा और काफी यमी आता है। तो कोशिश कीजिए कि 2 से 3 1/2 kg पनीर में अगर बना रहे हैं तो 2 से 3 क्यूब चीज जरूर ऐड कीजिए, बहुत ही यमी और टेस्टी बनने वाला है। और टाइम भी फ्रेंड बनाने में ज्यादा नहीं लगता है, अगर सारा कुछ घर में है तो ये चीज सारा फटाफट बनकर के रेडी हो जाता है। तो देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 2 से 3 क्यूब चीज का डाल दिया है। इसे हम अब फटाफट मिक्स कर लेंगे, बहुत ही यमी और काफी टेस्टी बनता है ये, इसे जरूर आप ट्राई करके देखिए। ये ज्यादातर लोग इसे पाव के साथ खाना पसंद करते हैं।
ये मिक्स हो गया कुछ देर, और इसे कम से कम 1 से 2 मिनट इसी तरह से चलाते हुए भून करके रेडी कर लेते हैं। तो ये पनीर घोटाला बन करके रेडी हो गया फ्रेंड। अभी हम यहाँ पे खूब सारा धनिया ऐड करेंगे, बहुत अच्छा और काफी टेस्टी लगता है। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया और काफी टेस्टी, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप बनाएंगे तभी आपको इसका टेस्ट और खुशबू पता चलेगा, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। ये हो गया रेडी, इसे हम नीचे उतार लेंगे और आपको प्लेटिंग करके दिखाएंगे। बहुत अच्छा सा इसे हम सर्व करके दिखाते हैं। देख रहे हैं कितना अच्छा सा बन करके रेडी हुआ है, कितना अच्छा सा टेक्सचर है इसके। तो इसे हम सर्व करेंगे। सो यमी और काफी टेस्टी बना है। इसे आप पाव के साथ एंजॉय कीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा अगर पाव खाना पसंद करते हैं तो। सो यमी। काफी अच्छी बन गई ना, थोड़ा सा इसे। अब हम इस पे थोड़ा धनिया पत्ता और स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता डाल देती हूँ, जिससे कि बहुत अच्छा लगेगा और काफी टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से बनाइए और अपने फीडबैक कमेंट हमें जरूर दीजिए। और इसमें हम डालेंगे अब फिर से ऊपर से थोड़ा सा बटर, जिससे कि काफी टेस्टी और यमी लगेगा। इसे जरूर आप ट्राई करके देखिए और हमें भी बता दीजिए अपना फीडबैक कमेंट कि आपको कैसा लगा है ये बना करके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। सो यमी टेस्टी।